बालों का सफेद होना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अगर ये समय से पहले हो जाए तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो क्यों समय से पहले कुछ लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं? 20 वर्ष की उम्र से पहले अगर आपके बाल सफेद होने लगे हैं तो हम उसे प्रीमैच्योर एजिंग कहते हैं। एजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हम जानते हैं कि समय के साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे जो बाल हैं उनमें मेलानिन नाम का पिगमेंट कम बनने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाल सफेद हो जाते हैं। लेकिन क्या और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बाल सफेद हो जाते हैं, कैसे इन्हें रोका जा सकता है और क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? तो सबसे पहले, बाल सफेद जल्दी क्यों हो जाते हैं? सबसे कॉमन चीज होती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी अगर आपके परिवार में किसी और के, यानी आपके माता पिता या आपके सिबलिंग्स में से किसी के बाल पहले जल्दी सफेद हुए हैं तो हो सकता है आपके भी बाल जल्दी सफेद होने लग जाए। दूसरा कारण होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अगर आपकी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स कम है तो आपके बॉडी में फ्री रेडिकल फॉर्मेशन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मेलानिन बनाने वाली कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं और रंग बनाना बंद कर देती हैं। फिर कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से सफेद बाल जल्दी होते हैं, जैसे जो लोग ज्यादा स्मोक करते हैं उनको सफेद बाल हो जाते हैं, या जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं उन्हें भी सफेद बाल जल्दी हो जाते हैं। कुछ और भी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, यानी शरीर में कुछ पोषक तत्वों स्पेशली विटामिन्स की डिफिशेंसी। जैसे अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 कम है तो बहुत चांसेस हैं कि आपके सफ़ेद बाल जल्दी होंगे। इसके अलावा कुछ मिनरल्स भी होते हैं जैसे कॉपर, जिंक, इनकी डिफिशेंसी में भी सफ़ेद बाल जल्दी हो जाते हैं। कुछ और कारण होते हैं, जैसे अगर आपने जल्दी ही केमिकल डाइज का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया है तो भी आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, क्योंकि केमिकल डाइज के अंदर एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम का केमिकल यूज़ किया जाता है जो कि एक्चुअली बालों को ब्लीच कर देता है और आपके बालों को जल्दी सफ़ेद करने का कारण बन जाता है। कुछ हार्मोनल डिजीजेज भी होती हैं जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर, विटिलिगो और ऑटोइम्यून कंडीशन, जिनमें बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। तो कैसे हम बालों को सफ़ेद होने से बचाएं और क्या उनका इलाज है? सबसे पहले तो जो कॉमनली प्रोडक्ट्स काम में लिए जाते हैं सफ़ेद बालों को काला करने के लिए, जैसे मेहंदी है, टी है, कॉफ़ी है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, कुछ सॉल्यूशंस आते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट सॉल्यूशंस होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और बालों को वापस से काला करने में मदद करते हैं। तो आप अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेके कुछ सीरम्स यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके बालों को वापस काला करने में मदद करेंगे। तीसरा, आप कर सकते हैं कि आप अपने आप को चेक करा सकते हैं कि कहीं आपके अंदर विटामिन B12, जिंक, फॉलिक एसिड, कॉपर या बायोटिन की डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर आपके अंदर ये मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी है तो आप इनके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। प्रॉपर अमाउंट में सप्लीमेंटेशन होने के बाद में संभव है कि आपके बाल फिर से काले हो जाए। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं कि आप एक्सेसिव स्ट्रेस से बचें। स्ट्रेस से बचने के लिए आपको मेडिटेशन, योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए और कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स आपको अवॉइड करने चाहिए, जैसे कि आपको स्मोकिंग जो है वो रिड्यूस कर देनी चाहिए या बंद ही कर देनी चाहिए। कुछ इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि PRP थेरेपी आपके बालों को वापस से काला करने में हेल्प कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर प्लेटलेट रिच ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और ग्रोथ फैक्टर्स मेलानिन का प्रोडक्शन स्टिमुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल लेटेस्ट एडवांसमेंट है स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी पे काफ़ी वर्क किया जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर हमारे पास सफ़ेद बालों के लिए एक इफ़ेक्टिव इलाज उपलब्ध हो। तो अगर आप सफ़ेद बालों से सफ़र कर रहे हैं और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है जो आप जानना चाहते हैं सफ़ेद बालों से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें मैसेज करके बताइए। थैंक यू।